सो हेलो ब्लेडर्स, आप लोग बहुत होशियार हैं मैं जानता हूँ, और आप लोग देख भी चुके हैं थंबनेल में आज फैक्ट्स नंबर पार्ट टू है। तो चलो अपने शुरू करते हैं। क्या लिखा है? भूडियो। अच्छा ठीक, अच्छा भूडियो, ठीक है भूडियो, भूडियो शुरू करते हैं। और फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई तुम अपने नेक्स्ट वीडियो कब पोस्ट करोगे, बोलो ना। अरे भाई टाइम लगेगा थोड़ा, थैंक यू पूछने के लिए, आज लो पोस्ट कर दिया। तो चलो इंट्रो लगाते हैं। कैसी बात है? हाँ नॉन, क्या हुआ भाई, इंट्रो क्यों शुरू नहीं हो रहा है? अरे इंट्रो शुरू करो, क्या हुआ, कोई है क्या? अरे भाई मैं हूँ ना, इंट्रो शुरू करने के लिए, करो कर दूँ क्या? हाँ जीनो, बिल्कुल बिल्कुल कर दो जीनो, बिल्कुल लाइक, तुम्हें लाइक देता हूँ, कर दो इंट्रो शुरू। गाइस शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन। काई के फैंस जरा ध्यान से सुन लो, क्या तुमने ये चीज़ देखी है कभी? काई के गाल पे जो ब्लू टैटू है उसे तुमने तो ज़रूर देखा होगा। उस टैटू को हमेशा के लिए नहीं हटाया जा सकता, ये तुम ज़रूर जानते होगे काई के फैंस। मैं काई का फैन नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ ये फैक्ट। तो काई को तुमने ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न वन में ज़रूर देखा होगा कि वो ऊपर की तरफ था, लेकिन बिफोर्स में वो देखो तो वो टैटू का एंगल नीचे की तरफ हो गया। ये क्या बकवास है भाई काई के फैंस, काई को थोड़ा कहो भाई कैसे टैटू को ऊपर से नीचे किया, मुझे भी बताओ बरा। तो दोस्तों शुरू करते हैं फैक्ट नंबर टू। तो फैक्ट नंबर टू में आपको ओरिजिनल सीरीज के सीजन वन में लास्ट एपिसोड में ज़रूर देखा होगा कि टाला 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 के जो नाम है TALA, वो टाला का हेयर स्टाइल आप ज़रूर गौर करना, क्योंकि उसका हेयर स्टाइल में भी टी लिखा हुआ है, देखिए ज़रा। लेकिन हमें काई, मैक्स, रे और टाइसन को तो ऐसा नहीं दिखा हेयर स्टाइल में, ये क्या फंडू है भाई। फैक्ट नंबर थ्री। तो फैक्ट नंबर थ्री में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को सफ़ेद कर दीजिए, और बाजू वाला बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिए। यही रहा हमारा फैक्ट नंबर थ्री। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। तो भाई लोग फैक्ट नंबर टू, फैक्ट नंबर फोर, गलती हो जाती है भाई, क्या करूँ। फैक्ट नंबर फोर, आपने सारे सीरीज के मेन कैरेक्टर के बिग बीस्ट या कहो स्पिरिट को तो ज़रूर देखा होगा कि नीला है, लेकिन गौर करो तो नीला सबके नहीं है भाई लोग, क्योंकि सिर्फ नीला कलर मुझे सिर्फ टाइसन, झिंगा और वॉल्ट में देखने को मिला है। लेकिन सोगन स्टील का मेन कैरेक्टर जीरो कुरगाने, उसका तो लाल है भाई, ये क्या डिफरेंस है। और बस टर्बो का आएगा, उस बस टर्बो का आएगा को क्या करें, वो भी तो लाल है। एक्यूलिश नॉन। दोस्तों पिछली बार भी मैंने एक फैक्ट बोला था जिस फैक्ट का नाम था बेब्लेड बस्ट के
सारे कैरेक्टर के नाम अनुसार उनके बेब्लेड के नाम होते हैं। पिछली बार मैंने कम्ब्लेडर्स का नाम बोला, इसलिए शायद किसी को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कमेंट में भी बोला था कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, तो वो वाला नहीं लगा, मैं क्या करूं, इसलिए मैं सारे बोल देता हूं, सुन लो। तो फ्रीडला होया, फैपनियर और लुइनोर, वो तो लुई का है रे, लुई नॉर्थ खुद के नाम से ही रखा है। हेब जो जानते हैं फी का भाई, हेब से तो हेडिस। और अगर आपका नाम याद है तो मिला कर देख लो। डायगो का क्या बेब्लेड का नाम था मुझे याद नहीं, आप लोग देख लो ज़रा, देख के मुझे रिकॉर्ड करना मैंने सही कहा या गलत। दोस्तों शायद आप लोगों को मेरा गला का आवाज़ थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं ये आवाज़ अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप लोग 15 लाइक्स कर सकते हैं, तब मैं गले का आवाज़ फैली जैसा बना दूंगा। और अगर आपको ये गले का आवाज़ बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ 25 लाइक्स कर दीजिए, मैं इस गले के आवाज़ से ही वीडियो बनाऊंगा। तो आज बहुत बकबक कर ली दोस्तों, अब विदाई लेने का टाइम आ गया है, तो गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।